हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल कस्टम आपका स्वागत करता हूं। दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट थी वो कल जारी हो चुकी है। पेटी 2022 की पहली अलॉटमेंट लिस्ट आउट हो चुकी है। उसके बाद से आपने देख लिया होगा कि आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है वो तो काफ़ी खुश हैं कि सर हमें कॉलेज मिल गई है, ठीक है ना, फाइनली, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। कल आपकी जो है पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है, कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो काफ़ी दुखी हो गए हैं और लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर आप क्या करें, क्या हमें सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी, क्या हमें थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी, सर कितने नंबर होने चाहिए तब जाके हमें कॉलेज मिलेगी, सर क्या कितनी सीट खाली है, अभी कितनी वैकेंसी, मतलब कितना वैकेंट और है सीट। ये सारे तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं, डाउट हैं, जो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं कि अभी प्रत्येक कॉलेज में कितनी सीट है, साइंस की, आर्ट्स की, कितने नंबर तक सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ जा सकती है या थर्ड लिस्ट की कट ऑफ जा सकती है, कितने चांसेस हैं कि आपका नंबर सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा, थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट की भी हम बात करेंगे, तो पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली अलॉटमेंट लिस्ट में जिनका नंबर आ गया वो ठीक है, वो अपना जो है कॉलेज में अलॉटमेंट करवा लो, ठीक है, फीस जमा करा दो 22,000 रुपये, इसके अलावा रिपोर्टिंग करवा लो, क्योंकि सारी प्रोसेस आपकी हो रही है। अब जिनका नहीं आया है, जो नियर बाई है, मतलब जिनके आसपास ही है कि भाई 280 नंबर हैं, 290 नंबर हैं आर्ट्स के अंदर या साइंस के अंदर, आपके 350 हैं, 355 हैं, 360 हैं, 65 हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो उनका क्या होगा? तो जो अभी तक आंकड़ा सामने आ रहा है, मैंने काफी सारी कॉलेज में बात किया है, काफी सारे स्टूडेंट से बात किया है और कॉलेज के यहां पर जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे मेरी बात हुई कि भाई आपके पहली लिस्ट में यहां पर जो है कितनी स्टूडेंट का लिस्ट आ चुका है और कितनी सीट खाली है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर 100 स्टूडेंट हैं, मतलब 100 सीट है, जिसमें से लगभग 92 जो सीट है उनके लिए अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है, उनका नंबर आ चुका है, उनकी लिस्ट आ चुकी है और अभी 8 सीट खाली हैं। तो एक कॉलेज के अंदर जो है 8 सीट खाली हैं, तो 8 तो है ही है और इतनी सभी कॉलेज में होंगी, 8-10 सीट तो प्रत्येक कॉलेज में आपकी वैकेंट रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पर काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम तो आ गया, कॉलेज तो अलॉट हो गया, लेकिन वो आगे ही प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, फीस नहीं जमा कराएंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे, क्योंकि आपको पता है अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिवेल का रिजल्ट नहीं आया, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आया, तो वो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा पाएंगे। इस वजह से हो सकता है कि उनका यहां पर जो अलॉटमेंट है वो रद्द हो जाए, एडमिशन ना हो, तो उस समय फिर वो सीट वैकेंट रह जाएगी और सेकंड लिस्ट में वो जो है ऐड कर दी जाएगी। तो यहां पर अभी भी 10-12 सीट प्रत्येक कॉलेज में हो सकती है जो वैकेंट हो और कॉलेज बहुत ज्यादा हैं। आपकी जो सीट थी 1,07,000 सीट है, ठीक है, 941-42 कॉलेज थी आपके पूरे प्रदेश के अंदर, निजी कॉलेज और सरकारी कॉलेज को मिलाकर। तो अगर प्रत्येक कॉलेज में 8-10 सीट खाली रहती है, 15 सीट खाली रहती है, तो अभी भी लगभग 10-15,000 सीट वैकेंट है जिसके लिए सेकेंड और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। तो जिन विद्यार्थियों का कल अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है, कॉलेज मिल चुकी है या जिनको नहीं मिली है, वो सभी विद्यार्थी बीएड तो करेंगे, साथ में जो है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल सीटी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें 8 भर्तियां शामिल थी। इसके अलावा कल एक और नोटिफिकेशन आ गया 12th लेवल का, जिसमें LDC, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, छात्रावास अधीक्षक, ऐसी भर्तियां शामिल है। तो यहां पर राजस्थान में बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्जाम भी जल्दी होने वाली है, तो आप लोग जो है कॉलेज के साथ में तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। अनअकैडमी भारत का नंबर वन लर्निंग ऐप है, जहां पर आप RPSC कैटेगरी में जाकर CET का कोर्स परचेज कर सकते हैं और अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, अनलॉक 20 का ऑफर चल रहा है, जिसमें आप मेरा कोड लगा सकते हैं, कैपिटल GENUYNE10 जेन्युइन 10, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। साथ में SSC के अंदर भी बंपर भर्तियां हैं, CGL में, CSSL में, CPO में, GD में, MTS में, FCI के अंदर, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर भी अप टू 30% आपको ऑफ मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड से, तो मेरा रेफरल कोड लगाओ कैपिटल GENUYNE10 और आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आइकोनिक के अंदर अप टू 30% ऑफ हो जाएगा SSC कैटेगरी में। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, वहां पर इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है,
13 अक्टूबर से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये सभी नए बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको PDF, नोट्स और सभी फीचर्स का लाभ मिलेगा, आज के डाउट का, रेज हैंड का, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट करिए, सब्सक्रिप्शन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो 10-15 हज़ार सीट बहुत होती हैं। अगर आपके आसपास मार्क्स थे पहली की जो कट ऑफ रही है पहली, उसके आसपास आपके मार्क्स रह रहे हैं, आप 2 या 3 नंबर से रहे हैं, 4 नंबर से रहे हैं, 5 नंबर से रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। तो जैसे ही आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद में हमने सर्वे किया था कितने विद्यार्थियों को जो है कितने नंबर पर कॉलेज मिल गई है, तो आपका सर्वे के अनुसार हमने कट ऑफ भी बनाकर बताया था कि ये कट ऑफ है, इतने नंबर पर विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गया है। तो यहाँ पर उस कट ऑफ से जितने नंबर कम हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम हैं, तो उन विद्यार्थियों को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और साइंस में भी चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कि मानते हैं ऐसी कैटेगरी है, तो ऐसी लगभग जो लास्ट कट ऑफ रही है वो 360 के आसपास रही है, मेल की बात कर रहा हूँ, 360 मेल की रही है। तो किसी के 355 है या 56 है, 57 है, 58 है, तो उसके चांसेज हैं कि उसको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपका बड़ा प्रश्न होगा कि सर कहाँ मिलेगा, क्या और राजस्थान किया है तो कहीं पर भी मिल सकता है? बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको मौका मिलेगा। सेकेंड लिस्ट के बाद में भी आपको अपवर्ड मूवमेंट का मौका मिलेगा। तो अगर आपको अपने जो है गृह जिले में नहीं मिलती है कॉलेज, तो आप वापस से अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं और आपको गृह जिले में कॉलेज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट की। आज पोर्टल आ जाएगा, वैसे अभी तक नहीं आया वेबसाइट पर, जैसे ही पोर्टल आएगा आप लोग जो है अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं जिनको कल मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। ऐसे विद्यार्थी जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या अपने क्षेत्र में कॉलेज नहीं मिला, वो अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, जिससे कि आपको फाइनली जो है अपनी मनपसंद की कॉलेज मिल जाए, जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसके अनुसार आपको कॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, काफी आपके कॉमेंट आते हैं इसको लेकर। तो अपवर्ड मूवमेंट ये होता है, जैसे कि आपने 20 कॉलेज भरी है और आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिल गई, तो अब आपको 10 से नीचे वाली कॉलेज नहीं मिलेगी, उससे ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी। 9 नंबर की मिल सकती है, 8 नंबर की मिल सकती है, 7 या 6 नंबर की मिल सकती है, ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। और आपको फिर भी वही करनी पड़ेगी, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उससे ऊपर वाली जो प्रेफरेंस थी वही कॉलेज आपको फिल करनी पड़ेगी और उनमें से ही आपको मिल सकती है। तो ये यहाँ पर सिक्वेंस रहने वाला है, ये आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो आज से ही आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, पोर्टल आ जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है, और सिक्वेंस चेंज कर देना कॉलेज का तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी आगे की प्रक्रिया होगी, फीस जमा कराने की और रिपोर्टिंग करने की, डॉक्यूमेंट जमा कराने की। डॉक्यूमेंट्स पर मैंने वीडियो बना दिया है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, ऐसे विद्यार्थी जो हताश हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा नंबर नहीं आया, इतने अच्छे मार्क्स थे, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है, भाई अभी भी चांसेस हैं कि आपका नंबर आ सकता है। और मैंने लास्ट टाइम देखा था, उससे लास्ट टाइम भी देखा था, पिछले 2-3 साल से मैं कवर कर रहा हूं PTT को, कट ऑफ गिरती है, बिल्कुल गिरती है। काफी विद्यार्थी जिनके कम मार्क्स होते हैं तो सेकंड और थर्ड लिस्ट में नाम आ जाता है, उनको कॉलेज अलॉट हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि सीट यहां पर वैकेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने काउंसलिंग करवाया है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो सभी बीएड करेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन में भी जा सकते हैं, वो कोई और कोर्स कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, नेट JRF, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आगे जाके हायर एजुकेशन कर सकते हैं, वो बीएड नहीं करें, कुछ और कोर्स कर लें, तो बहुत सारे यहां पर रीजन हो सकते हैं। काफी सारे तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड का भी फॉर्म लगाया है, इसके अलावा BSTC का भी लगाया है, तो हो सकता है उनका BSTC का बहुत अच्छा चला गया हो, तो BSTC कर लें पहले। तो काफी सारे रीजन है, तो सीट अभी भी जो है 10 से 15 हज़ार सीट खाली है और इसको लेकर यहां पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट तक आ सकती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।